Students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7 chapter 1 exercise 1.4. We have already discussed 5 questions of this exercise. You can watch that videos on my channel's playlist for class 7. So let's start. So question number 6 is, in a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly? क्या होता है स्टूडेंट्स, एक क्लास टेस्ट होता है, उसमें प्लस 3 मार्क्स दिए जाते हैं एवरी करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, और अगर क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता. ओके स्टूडेंट्स, तो राधिका, राधिका का स्कोर कितना है? राधिका को मिले 20 मार्क्स. इफ़ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, अगर राधिका ने 12 करेक्ट आंसर दिए तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने इनकरेक्टली कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, यानी इनकरेक्ट आंसर उसने कितने दिए हैं स्टूडेंट्स. सो देखिए किस टाइप से डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में क्या देना है, क्या है स्टूडेंट्स. मोहिनी स्कोर्ड माइनस 5 मार्क्स इन द टेस्ट, दो शी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, और मोहिनी का स्कोर कितना स्टूडेंट्स, माइनस 5 मार्क्स. तो उसने अगर 7 करेक्ट आंसर दिए हैं तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे. मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट्स, प्लस 3. एंड मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट्स, माइनस 2. एंड मार्क्स गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन कितने हैं, 0, यानी 0 मार्क्स मिलेगा. सो मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर, राधिका ने कितने करेक्ट आंसर दिए स्टूडेंट्स, 12. सो एक करेक्ट आंसर के लिए प्लस 3 मार्क्स मिलते हैं. सो 12 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 12 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल टू 36 मार्क्स. ओके स्टूडेंट्स, राधिका को कितने मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, 36 मार्क्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ राधिका का स्कोर कितना है, राधिका स्कोर इज 20 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, तो उसको 36 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन उसका टोटल स्कोर कितना है स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स है. सो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर उसने कितने दिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, 36 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 को. क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए उसको 36 मार्क्स मिले हैं बट उसका टोटल स्कोर तो 20 मार्क्स है, यानी उसके कुछ मार्क्स कटे हैं. क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर के लिए माइनस 2 मार्क्स मिलते हैं. सो कुछ मार्क्स जो हैं उसके टोटल स्कोर में से कट जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, डिडक्ट हो जाएंगे. सो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 20, टोटल स्कोर 20 है बट करेक्ट आंसर के लिए 36 मार्क्स हैं. सो 20 माइनस 36 इक्वल टू 36 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, बट 36 हमारा बिगर नंबर है, बिगर इंटीजर है, सो माइनस 16. सो 20 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 16. सो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए राधिका को कितने मार्क्स मिले स्टूडेंट्स, माइनस 16. सो स्टूडेंट्स, राधिका को इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले, माइनस 16. बट हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स कि राधिका ने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए, तो यहाँ पे आंसर नहीं निकला स्टूडेंट्स, हमें आगे भी इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे, मार्क्स गिवन फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, वन इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, माइनस 2. सो देयरफॉर नंबर फॉर इनकरेक्ट आंसर कितने, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर यानी कितने इनकरेक्ट आंसर थे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, माइनस 16 को डिवाइड करेंगे माइनस 2 से. तो दोनों इंटीजर नेगेटिव में है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16. सो 8 क्वेश्चन यानी इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने कितने अटैम्प्ट किए थे स्टूडेंट्स, 8 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के लिए माइनस 2 मार्क्स मिलते हैं. सो 8 क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे, 8 2 ज़ा 16, सो माइनस 16 मार्क्स. सो 8 उसने इनकरेक्ट आंसर्स को अटेम्प्ट किया था. ऐसे ही आप सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, इफ डिसेंट शाफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस 350 मीटर. क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एलिवेटर होती है
जो एक माइन शाफ्ट में नीचे की तरफ जा रही है किस रेट से, 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर की रेट से वो नीचे जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, एक एलिवेटर इफ डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, अगर एलिवेटर ने जो है डिसेंट्स नीचे जाना स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से। ग्राउंड लेवल को अगर हम जीरो से डिनोट करेंगे तो ग्राउंड लेवल के ऊपर, ऊपर को किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस से, और ग्राउंड लेवल के नीचे को किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। सो ग्राउंड लेवल के 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट किया उसने, तो +10 से स्टार्ट किया, और हमें कहाँ जाना है स्टूडेंट्स, -350 मीटर पे जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें बताना है कि एलिवेटर को हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, के एलिवेटर को कितना टाइम लगेगा -350 मीटर पे जाने में। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम नंबर लाइन को डिनोट करते हैं, नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन पे जीरो पे हम क्या लेंगे, ग्राउंड लेवल। तो स्टूडेंट्स, ग्राउंड जो एलिवेटर होती है उसने जो है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से चलना स्टार्ट किया था, यानी प्लस, ऊपर क्या आएगा +10 ग्राउंड लेवल से अबव के लिए, और ग्राउंड लेवल से बिलो यानी नीचे को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। सो जो एलिवेटर उसने स्टार्ट किया +10 से, और कहाँ तक गई वो, -350 मीटर तक गई। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स, अगर 1 मीटर जाने में उसको 6 मीटर पर मिनट यानी 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाती है, तो उसको -350 के लेवल पर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, जीरो से लेके और -350 तक का डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 350 का डिस्टेंस हो गया, लेकिन जीरो से 10 का डिस्टेंस कितना है, 10। सो 350 ये हो गया और 10 ये, 350 + 10 = 360, यानी 360 मीटर का टोटल डिस्टेंस जो है एलिवेटर ने कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है कि 1 मिनट में 6 मीटर जो डिसेंट नीचे की तरफ जा रही है एलिवेटर, तो उसको 360 मीटर नीचे जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ एलिवेटर इज 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, जो एलिवेटर की प्रेजेंट पोजीशन है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय एलिवेटर बिलो द ग्राउंड, डिस्टेंस मूव्ड बाय एलिवेटर बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे, नीचे कितना डिस्टेंस कवर किया एलिवेटर ने, 350 मीटर का। सो टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय एलिवेटर, सो एलिवेटर ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया स्टूडेंट्स, 350 + 10। ओके स्टूडेंट्स, 350 + 10 = कितना हो गया, 360 मीटर, यानी एलिवेटर ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 360 मीटर का। रेट ऑफ डिसेंट यानी नीचे जाने की रेट कितनी है स्टूडेंट्स, 6 मीटर पर मिनट। ओके स्टूडेंट्स, यानी 1 मिनट में 6 मीटर की रेट से नीचे की तरफ जा रही है एलिवेटर। सो टाइम टेकन टू डिसेंट 6 मीटर, यानी 6 मीटर का डिसेंट के लिए कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, 1 मिनट पर मिनट, मीन्स 1 मिनट, यानी 6 मीटर डिसेंट के लिए कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, 1 मिनट। सो टाइम टेकन टू डिसेंट 1 मीटर, 1 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, 1 को डिवाइड कर देंगे 6 से, सो 1/6 मिनट। और टाइम टेकन टू डिसेंट 360 मीटर, यानी टोटल जो डिस्टेंस हमारा था 360 मीटर था, सो 360 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, 1/6 × 360। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 के लिए 1 मिनट लगती है, तो 1 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/6 मिनट। सो 360 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/6 × 360। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, 1 की और 360 की मल्टीप्लाई करेंगे, सो 360 / 6, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, और ये 0 की 0, सो 60 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टाइम यहाँ पे मिनट था, और 60 मिनट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 आवर के। ओके स्टूडेंट्स, यानी एलिवेटर को -350 मीटर के लेवल पर प्लस से स्टार्ट किया था उसने ग्राउंड लेवल के ऊपर से, और -350 के लेवल पर गई थी, यानी टोटल 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। सो ये डिस्टेंस कवर करने में एलिवेटर को कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, 1 आवर का टाइम लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स, 6 और 7। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स इनके रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट होती है और चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगर चैप्टर 1 से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।